हेलो दोस्तों, कैसे हो। मेरा नाम है नाइम और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सैमसंग गैलेक्सी A50 के अनबॉक्सिंग और फर्स्ट लुक यहां पे देखने वाले हैं। और भी मैं यहां पे काफ़ी डिटेल में इस फ़ोन के बारे में बात करने वाला हूं। और ये फ़ोन काफ़ी चर्चे में है। सैमसंग का ये मतलब पहला बजट स्मार्टफोन है जिसमें आपको जो ट्रिपल कैमरा और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और काफ़ी कुछ मिल जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग पूरा डिटेल में इसके बारे में बात करने वाले हैं। सैमसंग गैलेक्सी A50 को आप दोनों जगह खरीद सकते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। यहाँ पे आपको 4GB वेरिएंट का जो प्राइस है वो पड़ जाएगा 19,990 रुपीज़। आसान भाषा में कहें तो यहाँ पे आपको 20,000 रुपये पड़ जाएगा अगर आप 4GB 64GB वाला वेरिएंट यहाँ पे लेते हैं। तो बॉक्स के पीछे आप देख सकते हैं कुछ की हाईलाइट इस फ़ोन का लिखा है, जैसे कि ट्रिपल कैमरा और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर। तो ये ऑफलाइन में ख़रीदा हुआ है फ़ोन, तो ऑलरेडी अनबॉक्स्ड है। तो यहाँ पे आपको बॉक्स कंटेंट की बात करें तो कुछ यहाँ पे वारंटी पेपर्स और यूज़र गाइड मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे TPU केस है और TPU केस का क्वालिटी मुझे ठीक लगा और रेडमी जो देता है उससे तो बढ़िया है यहाँ पे इसका क्वालिटी। प्लस यहाँ पे फास्ट चार्जर आपको बॉक्स के अंदर ही मिल जाता है। ये सेम चार्जर है जो कि आपको S10 में भी मिलेगा। और यहाँ पे USB टाइप सी है, तो सैमसंग का बजट फ़ोन में अभी USB टाइप सी आना चालू हो गया है, तो आपको USB टाइप सी केबल मिल जाएगा। अगर आप फ़ोन का ब्लैक कलर वेरिएंट लेते हैं तो आपको सारे एक्सेसरीज़ भी ब्लैक कलर में मिलेगा, और वाइट कलर वाला जो फ़ोन है उसके साथ आपको वाइट एक्सेसरीज़ मिलेगा। तो यहाँ पे आपको सैमसंग का वही मतलब पुराना स्टाइल का यहाँ पे हेडफोन भी मिल जाता है, जो कि अच्छी बात है। बहुत सारे कंपनी यहाँ पे ईयरफोन देते ही नहीं हैं। देन यहाँ पे आपका फ़ोन आ जाता है। ये फ़ोन आपको 3 कलर में मिल जाएगा, ब्लैक, ब्लू और वाइट कलर में। हमारे पास यहाँ पे ये ब्लैक कलर वेरिएंट है और ये आप देख सकते हैं पीछे आपको ग्रेडियंट फिनिश देखने को मिल जाता है। सामने के साइड आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको फुल HD एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है। सैमसंग का एमोलेड डिस्प्ले काफ़ी अच्छा होता है, तो यहाँ पे आपको काफ़ी बेहतरीन डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर आपको नॉच डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। सैमसंग इसको इन्फिनिटी वी डिस्प्ले, यू डिस्प्ले ऐसे के नाम से बुलाता है, लेकिन है तो नॉच ही। लेकिन यहाँ पे काफ़ी अच्छा डिस्प्ले आपको मिल जाता है। बेजल जो है काफ़ी मिनिमल है, तो यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और डिस्प्ले के साइज़ के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे आपको 6.4 इंच का डिस्प्ले मिल जाता है 19:5:9 एस्पेक्ट रेशियो के साथ। और फ़ोन का फिज़िकल ओवरव्यू ले लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे लेफ़्ट साइड में आपको सिम ट्रे देखने को मिल जाता है, जो कि एक डेडिकेटेड सिम ट्रे है। आप 2 सिम और 1 SD कार्ड को यूज़ कर सकते हैं। राइट साइड में आपको वॉल्यूम, रॉकर और पावर बटन मिल जाता है। और फ़ोन का फ्रेम और फ़ोन का बैक साइड प्लास्टिक का है। नीचे के साइड में आपको 3.5mm जैक, USB टाइप सी पोर्ट और स्पीकर का आउटलेट देखने को मिल जाता है। और ऊपर के साइड में आपको सेकेंडरी नॉइज़ कैंसिलेशन माइक यहाँ पर दिया गया है। और फ़ोन के बाकी स्पेसिफिकेशंस की मैं बात करूँ तो यहाँ पे एक्जिनोस का 9610 यहाँ पे आपको प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ आपको मालिक का G72MP3 GPU मिल जाता है, तो गेमिंग में और परफॉर्मेंस आपको अच्छा मिलना चाहिए। प्रोसेसर जो है 10 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पे बेस्ड है और यहाँ पे आपको 4000mAh का बैटरी भी देखने को मिल जाता है। यहाँ पे एंड्रॉयड पाई आउट ऑफ द बॉक्स है। साथ ही साथ आपको जो सैमसंग का नया वन UI है, जो कि सैमसंग S सीरीज़ में इंट्रोड्यूस किया गया है, वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो गाइस, एंड्रॉयड पाई का जो फीचर होता है ना डिजिटल वेलबिंग का, वो यहाँ पे अवेलेबल है। आप सेटिंग्स में जाके इसको यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे मैं फिंगरप्रिंट सेंसर चेक कर रहा था, तो यहाँ पे कितना फिंगरप्रिंट सेंसर आप ऐड कर पाओगे, तो यहाँ पे आप मल्टीपल फिंगरप्रिंट सेंसर ऐड कर पाओगे। मैंने ऑलरेडी 2 फिंगरप्रिंट रजिस्टर करके रखा है, और भी मैं चाहूँ तो यहाँ पे फिंगरप्रिंट यहाँ पे रजिस्टर कर सकता हूँ। और फिंगरप्रिंट सेंसर का यहाँ पे मैं स्पीड आपको दिखा देता हूँ। तो फिंगरप्रिंट सेंसर काफ़ी अच्छे से काम करता है, लेकिन थोड़ा सा डिले होता है जैसे कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा समय लेता है इसको अनलॉक करते वक्त। गाइज, यहाँ पे LED नोटिफिकेशन लाइट आपको नहीं मिलता है, लेकिन सैमसंग का जो फीचर रहता है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का, उसको आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो अभी फेस अनलॉक का भी स्पीड चेक कर लेते हैं। और फेस अनलॉक काफ़ी फास्ट है यहाँ पे, मतलब काफ़ी रिस्पॉन्सिव और फास्ट है, यहाँ पे देखते ही खुल जाता है। तो यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर से यहाँ पे मुझे फेस अनलॉक काफ़ी ज़्यादा फास्ट लगा, मतलब एक बार मतलब देखते ही ये फ़ोन अनलॉक हो जाता है। तो अभी इस फ़ोन का मेन हाईलाइट कैमरा के बारे में बात कर लेते हैं। तो कैमरा को लेकर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हाइप बन चुका है। यहाँ पे आपको ट्रिपल रियर कैमरा देखने को मिल जाता है,
तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा है कि मतलब मेन यहाँ पे 25 मेगापिक्सल का आपको प्राइमरी कैमरा देखने को मिल जाता है विथ f/1.7 अपर्चर, एक आपका वाइड एंगल कैमरा मिल जाता है 8 मेगापिक्सल का, और एक 5 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पे डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाता है। और सामने के साइड में यहाँ पे आपका 25 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। तो यहाँ पे हम लोग कैमरा इंटरफेस देख लेते हैं। तो यहाँ पे मेन कैमरा चालू है, अगर आप वाइड एंगल में शिफ्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक टॉगल दिया गया है, उससे आप वाइड एंगल में जा सकते हैं। कुछ सैम्पल भी मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में अटैच कर दूंगा या फिर इसी क्लिप के साथ अटैच कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पे आपको जो बिग्सबी विजन है, जो कि मतलब गूगल लेंस जैसा काम करता है, वो आपको यहाँ पे दिया गया है। प्लस यहाँ पे एआर इमोजी जो है वो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एआर इमोजी ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो इसके साथ आप मतलब थोड़ा बहुत मस्ती कर सकते हैं। देन यहाँ पे आपका लाइव फोकस मोड है जो कि पोर्ट्रेट मोड है। आप फोटो खींचने से पहले यहाँ पे ब्लर को एडजस्ट कर सकते हैं। फोटो खींचने के बाद अगर चाहें तो आप गैलरी में जाके यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे काफ़ी सारे और ऑप्शन मिल जाते हैं यहाँ पे। देन प्रो मोड है, पैनोरामा है, और वीडियो में एक बार चल जाते हैं। वीडियो में अगर आप देखें तो यहाँ पे आप दोनों सेंसर से वीडियो ले सकते हैं, वाइड एंगल में भी आप वीडियो ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे वीडियो रेजोल्यूशन की मैं बात करूँ तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आप 1080p तक ही जा सकते हैं। यहाँ पे आपको 4K का कोई ऑप्शन नहीं दिया गया, ना ही कोई 1080p 60 फ्रेम्स का ऑप्शन दिया गया है। तो वीडियो काफ़ी यहाँ पे मतलब लिमिटेड कर दिया सैमसंग ने इसको, मतलब 4K एटलीस्ट देना चाहिए था। तो ये वीडियो आप देख रहे हैं ये 1080p में रिकॉर्ड किया गया है मेन कैमरा से। तो इसके बाद मैं आपको वाइड एंगल का भी शॉट दिखा दूंगा। यहाँ पे आपको EIS का सपोर्ट भी मिल जाता है, तो आप स्टेबिलिटी भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो ये वीडियो जो आप देख रहे हैं ये वाइड एंगल से लिया गया है। आप वीडियो का क्वालिटी और स्टेबिलिटी भी चेक कर सकते हैं, और कैसे कलर्स आ रहा है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये 8 मेगापिक्सल का सेंसर है, तो 25 मेगापिक्सल जैसा यहाँ पे आउटपुट नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको काफ़ी वाइड वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं कुछ फ़ोटो सैंपल आपको दिखा देता हूँ। ये जो है मेन कैमरा से लिया गया है, और अभी जो आप फोटो देख रहे हैं ये आपका वाइड एंगल कैमरा से लिया गया है। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा वाइड है। नेक्स्ट यहाँ पे फिर से मेन सेंसर, और नेक्स्ट आपको फिर से यहाँ पे वाइड एंगल सेंसर। ये फ़ोटो जो है पोर्ट्रेट मोड में लिया गया है। आप यहाँ पे कलर्स और बैकग्राउंड ब्लर भी देख सकते हैं, और आप चाहें तो बाद में इसको एडजस्ट कर सकते हैं। आपको गैलरी में काफ़ी सारे और ऑप्शन मिल जाएंगे। और यहाँ पे ये मैंने नॉन ह्यूमन सब्जेक्ट के ऊपर ट्राई किया, तो आप देख सकते हैं बैकग्राउंड ब्लर काफ़ी यहाँ पे अच्छा आया है। तो नेक्स्ट यहाँ पे लास्ट चीज़ के मैं बात कर लेता हूँ, उससे पहले यार वीडियो को लाइक कर देना, और जो लोग नए हैं नीचे सब्सक्राइब बटन ठोक दो, तो आपको मतलब ऐसे वीडियोज़ फ्यूचर में भी देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे पबजी मैंने उतना ज़्यादा मतलब इसका मतलब पबजी रिव्यू मैं नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा मैं आपको दिखा रहा हूँ कि पबजी अगर आप इस पर खेलेंगे तो आपको क्या क्या सेटिंग्स मिल जाएगा, वो जस्ट मैं दिखा देता हूँ। गेम को स्टार्ट करने के टाइम में आपको जो सेटिंग्स बाय डिफ़ॉल्ट रिकमेंड करेगा वो हाई रिकमेंड करेगा। तो यहाँ पे एक गेम टूल मिल जाता है जिससे आप काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि स्क्रीनशॉट लेना हो गया, या फिर आप वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग अगर करना चाहते हैं तो डायरेक्टली आप यहाँ से कर सकते हैं गेम टूल से। उसके बाद यहाँ पे आपको फ्लोटिंग ऐप का भी एक ऑप्शन मिल जाता है, मतलब गेम के ऊपर आप चाहें तो यूट्यूब देख सकते हैं, व्हाट्सएप या फिर कोई भी अदर एप्लीकेशन अगर आपको यूज़ करना है तो आपको ये फ़ीचर मिल जाता है। और भी बाकी सारे फीचर है जो कि आप गेम मोड में जाके देख सकते हैं। अभी हम लोग ग्राफिक सेटिंग्स की बात कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे आप हाईएस्ट HDR तक खेल सकते हो, स्मूथ में आपको एक्सट्रीम फ्रेम रेट मिल जाता है, और बाकी सारे सेटिंग्स में आप अल्ट्रा फ्रेम रेट के साथ यहाँ पे खेल पाओगे। मैंने उतना ज़्यादा इस पर पबजी खेल के नहीं देखा, एक्चुअली ये डिवाइस मेरा नहीं है, तो मतलब उतना ज़्यादा मैं यहाँ पे अपना वर्डिंग्स देना नहीं चाहूँगा। मैं थोड़ा बहुत खेल के देखा तो ठीक ठाक ही यहाँ पे चल रहा था।
बाकी अगर आप मतलब वीडियो कमेंट करके बताओ, मतलब उतना ज़्यादा रिक्वेस्ट रहेगा तो मैं इस पर पबजी रिव्यू भी कर दूंगा। अगर ज़्यादा रिक्वेस्ट रहेगा तो मुझे नीचे कमेंट करके बताना। तो 20,000 के अंदर यहाँ पे आपको क्या मिल जाता है, सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाता है जो कि सैमसंग का काफ़ी बढ़िया होता है। नेक्स्ट यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर है जो कि इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है जो कि अच्छे से काम कर रहा है। प्लस यहाँ पे आपको ट्रिपल कैमरा देखने को मिल जाता है। लेकिन जो जो चीज़ें मुझे मतलब उतना सही नहीं लगा लेकिन और बेटर हो सकता था, वो तो मतलब सबसे पहले तो इसका बिल्ड क्वालिटी जो कि प्लास्टिक का है, देन यहाँ पे 4K रिकॉर्डिंग नहीं है और जो सॉफ्टवेयर है वो उतना ज़्यादा अभी तक ऑप्टिमाइज्ड नहीं है, तो धीरे धीरे ये ऑप्टिमाइज्ड होगा। लेकिन इस प्राइस में आपका एक मॉन्स्टर आ जाता है जो कि पोको F1 है स्नैपड्रैगन का 845 के साथ। तो इन दोनों में से अगर आपको मतलब ख़रीदना हो तो आप कौन सा प्रेफर करोगे मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक तो ज़रूर कीजिएगा ही। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, अगर आपको कोई वीडियो रिक्वेस्ट है तो वो भी कमेंट कर सकते हैं, तो कमेंट का रिप्लाई तो मैं कर ही देता हूँ। और जो भाई ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करके रखा है, नीचे आपको सब्सक्राइब बटन दिख जाएगा, सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना क्योंकि YouTube कभी भी नोटिफिकेशन नहीं भेजता है।